अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले जितने भी मेरे दोस्त हैं इंडियन, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज बहुत अच्छा मैच जीते, मैं खुद भी मैच खेलने गया था और मेरी टीम में सारे इंडियंस हैं, मैं भाई पाकिस्तानी हूँ, तो बड़ा अच्छा मैच हुआ। और 16 को जो मैच होने वाला है, फिर आप सब तैयार हैं कि नहीं? अच्छा, आज एक इंपॉर्टेंट इशू पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बता दूँगा, आप बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं मेरा घर है, दूसरी दफ़ा आप मेरा घर देख रहे हैं। एक सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ज़िंदगी की, वो यहीं से बनाई थी और वो पीछे रेड वाला सोफा ही था, और ये मेरी दूसरी वीडियो है। आज जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है MS धोनी पर। MS धोनी, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कप्तान भी हैं, बल्कि इंडिया क्या, पूरी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कप्तान हैं। 2007 T20 उनके शोल्डर पर है, 2011 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में जीते, 2013 की चैम्पियंस ट्रॉफी, 3 बड़े ICC के इवेंट्स MS धोनी की कैप्टेंसी में इंडिया जीते हैं। अभी आजकल ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक हंगामा मचा हुआ है कि वो जो उनके ग्लव्स पे इंसिग्निया, जिसको बलिदान भी कहते हैं मेरे ख्याल से, तो बलिदान का जो इशू चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ आज उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। इससे पहले हम धोनी पे जाएं, मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड का मैच था, तो इंग्लैंड के जो मोइन अली ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी सेफ गाज़ा सेफ पैलेस्टाइन का एक दफ़ा रिस्ट बैंड पहना था, और उस पर भी काफ़ी ऑब्जेक्शन आई थी, काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, और ICC ने मना कर दिया था कि आप नहीं पहन सकते। ऐसा साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं पाकिस्तान ने साथ, इमरान ताहिर, जब गालिबन जुनेद जमशेद की डेथ हुई थी, उसके बाद उन्होंने भी एक बार विकेट ली थी तो उनको ट्रिब्यूट दिया था, तो उस पर भी ICC ने नोटिस लिया था, उनको तंबी की थी कि आप ऐसा नहीं करें। तो हर दफ़ा हमने देखा कि इस तरह चलता आ रहा है, तो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा कि मैं लोगों से पूछूँ, एक तो मेरी राय हो गई और एक जो मेरे सुनने वाले उनकी राय, लोग इनमें पाकिस्तानी इंडियंस क्या सोचते हैं कि भाई उनको कैरी करना चाहिए ग्लव्स में कि नहीं। आज के मैच में उन्होंने नहीं पहना, उसकी वजह यह कि ICC, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं ICC के रूल्स। ICC के रूल्स ये कहते हैं कि आप कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इवेंट को उनका लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरर का लोगो लगा सकते हैं, उसके अलावा आप किसी का लोगो नहीं लगा सकते। हाँ, चैरिटी भी शामिल है उसमें। आपने देखा होगा कि अक्सर मैच होते हैं और साउथ अफ्रीका वाले बहुत पिंक रिबन पहन के खेल रहे होते हैं, वो तो वो भी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसकी परमिशन ICC से ली जाती है और फिर वो ऐसा करते हैं। लेकिन इनका करना, उस पर बात करते हैं अभी, लेकिन पहले लोगों से जानते हैं कि लोगों का क्या मानना है कि उन्होंने ठीक किया कि नहीं। भाई, आप क्या समझते हैं बलिदान के बारे में, ये ग्लव्स पे होना चाहिए कि नहीं? वो एक्चुअली बलिदान का सिंबल नहीं है, एज पर द आर्मी चीफ ही हैज़ क्लियरली मेंशन दैट इज़ नॉट अ बलिदान सिंबल, बट धोनी इज़ अ आर्मी मैन, राइट? So he works for the army, most of his free time he spends with army, and there's nothing wrong in him supporting his company, or it's as good as, like, you know, you're putting your label on the bat. Aap kya samajhte hain balidan ko cricket mein wo pehen rahe hain gloves mein, wo sahi hai unka faisla hai ya nahi? Unko pehenna chahiye, kyunki agar ICC ne ye rules hai to ye rule England ke liye bhi hona chahiye tha jab unhone अपने आर्मी के लिए यहाँ कॉलर पे अपने वो सिंबल लगाया था, तो रूल्स अगर हैं तो वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। भाई, आप क्या समझते हैं ये जो बलिदान और इंसिग्निया जैसे कहते हैं वो उन्होंने अपने ग्लव्स पे लगाया हुआ है, MS धोनी जो कि वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं, कप्तान थे जब वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? ये तो नेशनल प्राइड के लिए, मतलब धोनी ने जो ग्लव्स पहने हैं वो नेशनल प्राइड के लिए पहने, कि मतलब अपने आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ICC से क्वेश्चन करना कि क्यों पहना है, आइस वर्ल्ड कप में क्यों नहीं पहना, आई डोंट थिंक सो रिलेवेंट। ऐसे तो हर टीम अपना अपना जो भी रिप्रेजेंट कर रहे होता है उनके कंट्री की पुलिस को, वो भी कर सकती है, मतलब हमें सिर्फ कंट्री को तो रिप्रेजेंट, तो फिर ये खेल तो ना हुआ ना, फिर तो ये आप क्या दिखाने जा रहे हो? फिर आप कंट्री को तो रिप्रेजेंट करेंगे ना, कल पाकिस्तान, तो आप झंडे फ्लैग लगा लो, फ्लैग से नहीं होता क्या? फ्लैग तो वैसे, फ्लैग तो मेन चीज है ही, ऐसे तो नेशनल एंथम भी बोली जाती है ग्राउंड में शुरू होने के बाद।
तो इसको नेशनल प्राइड बनाना, अभी ट्विटर पे एक जंग छिड़ गई कि देखें मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, और वो मिसबाह उल हक ने जब लॉर्ड्स में जीता था उन्होंने पुशअप्स की थी और आर्मी को सल्यूट किया था, तो ये मसले चल रहे हैं कि पाकिस्तान को अलाउ। उसमें कुछ गलत नहीं है, दे परफॉर्म वेरी वेल इन द मैच, दे हैव एवरी राइट टू डू एनीथिंग, और वो बैट्समैन की ग्लोरी है, प्राइड है कि उन्होंने इतना अच्छा खेला, ठीक है उसके बाद पुशअप करें नमाज करें वो सब कुछ सही है। आप क्या समझते हैं जो अभी इंसिग्निया जैसे बलिदान भी कहते हैं वो MS धोनी के बड़े एक कंट्रोवर्सी बन गई है और एक नेशनल प्राइड समझा जा रहा है कि भाई वो होना चाहिए, जबकि ICC ने टर्न डाउन कर दी है रिक्वेस्ट, आप क्या समझते हैं वो होना चाहिए नहीं? मुझे लगता है होना चाहिए, होना चाहिए और बिल्कुल, क्योंकि इसका इस मतलब नेशनल प्राइड तो है, इसमें कोई रिलीजियस फैक्टर या फिर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ही इज नॉट प्रमोटिंग, बट या इट्स गुड टू हैव गुड साइंस। अच्छा भाई ये धोनी जो बलिदान पहना हुआ लगाया उसने तो अलाउ होना चाहिए कि नहीं? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल बलिदान नहीं है, इंसिग्निया है, ठीक है, एक्चुअली इट डिपेंड्स कि हाँ BCCI तो पहले उसको कुछ ऐसा रूल्स भी नहीं बनाया था, ICC के बनाया कि नहीं पहना नहीं डालना है एंड ऑल, इट अगेन डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर रूल्स। अच्छा इसको नेशनल प्राइड बनाना, ट्विटर पे एक जंग छिड़ी हुई है, नहीं नहीं वो गलत है। अच्छा ये धोनी की अभी कॉन्ट्रोवर्सी ट्विटर पे सोशल मीडिया पे चल रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखे देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी, जैसे मोइन अली था इंग्लैंड का, उसने रिस्ट बैंड पहनी हुई थी सेफ पैलेस्टाइन, उसको उन्होंने कहा था कि ये उतार दें, इसी तरह वो कहते हैं कि वी कैनॉट प्रमोट एनी पॉलिटिकल इश्यूज, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा है और पाकिस्तान तो रेडी है, वो कहते हैं कि वी आर रेडी एनी टाइम एनी प्लेस एनी वेयर, लेकिन इंडिया वाले जो है ना दे काइंड ऑफ पॉलिटिसाइज दिस विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट एंड इट्स नॉट द टाइम एंड द प्लेस टू हैव सच इंसिग्नियाज ऑन द ग्लव्स विच डेमोंस्ट्रेट दैट दे आर सपोर्टिंग द आर्मी, दे ऑल्सो वो आर्मी कैप्स एज वेल। Again, cricket should be separate from politics. That's my opinion. अच्छा आप बताइए जो धोनी ने ग्लव्स पे वो बलिदान पैरामिलिट्री का ये साइन है वो उन्होंने किया हुआ है तो वो ठीक है कि नहीं? उसकी मर्जी यार, करने तो इतना पर्सनल लेने की क्या जरूरत है, पर ICC के रूल्स के खिलाफ है ये। Yeah, if it's going against ICC rules, then he shouldn't do it. He shouldn't provoke those things which makes other people uncomfortable. भाई बताएगा अभी ये ट्विटर पे एक जंग छिड़ी हुई है कि वो महेंद्र सिंह धोनी को बलिदान वाला जो ग्लव्स पे है वो होना चाहिए, आप क्या कहना चाहिए, क्या समझते हैं आप? Think it's more to do with laws. People shouldn't get patriotic and stay within the ICC laws and just enjoy the cricket. So अगर उसको बोला गया उतारने को तो उतार देना चाहिए. No need to get emotional for those things. It's only about cricket. अच्छा इंडियंस कह रहे हैं कि देखें पाकिस्तान जो है उन्होंने एक दफ़ा नमाज भी पढ़ी थी ग्राउंड में और उनको अलाउ है, हमें नहीं है मुसलमानों को तो ये है कि वो कुछ किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए? I don't think you should bring religion into cricket at all. That's all I would say. अच्छा बताइएगा जो अभी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है ट्विटर पे और BCCI कह रहे हैं कि वो लोगो होना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ एज ए पर्सनल चॉइस तो यार हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि अगर धोनी कुछ भी लगाए, अपने बैट पे लगाए, ग्लव्स पे लगाए, कहीं भी लगाए, आई मीन ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर, मीन आई एम फ्रॉम पाकिस्तान अगेन बट आई जस्ट लव धोनी एंड ही इज आई बिलीव इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर यू नो द क्रिकेट हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूस। अच्छा ICC अगेंस्ट आ रहा है, ICC कह रहा है हमारी वो सिर्फ इवेंट का कंपनी जो स्पॉन्सर कर रही है वो हो या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का लगा सकते हैं, लेकिन वो वाहिद हैं कीपर जिन्होंने उनको रैंक भी दिया गया है ऑनररी, वो लेफ्टिनेंट कर्नल। अगेन हमें ICC का जो रूल्स है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है आप रूल के तो अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर तो ICC अलाउ करता है कि सब प्लेयर अपना जो लोगो लगाना चाहें लगाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ICC बोल देता है कि नहीं आपको इस तरीके कोई सर्टन लोगोज हैं जो आपको नहीं लगाने, तो विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट हमें फिर वो रिमूव करना ही पड़ेगा। अच्छा मेरे एनालिसिस ये है कि यू कैन नॉट बेंड द रूल्स टू जस्टिफाई सेंटिमेंट्स, इस मैटर को नेशनल प्राइड बना देना बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा, और कंपैरिजन ये किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों भी नमाज पढ़ते हैं ग्राउंड में, तो ग्राउंड में अगर वो पढ़ते हैं तो ऑफ द फील्ड पढ़ते हैं मैच ख़त्म हो जाता है, और वो पुशअप्स जो पाकिस्तान मिसबाह उल हक ने लगाए थे लॉर्ड्स में तो वो भी मैच ख़त्म होने के बाद लगाए थे, ड्यूरिंग द गेम नहीं किया था, तो मेरे ख्याल से ये जो परमिशन है ये ICC के जब रूल्स ही हैं तो ये सबके लिए हैं, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी हो वो नहीं कर सकता, तो हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और स्पिरिट ऑफ गेम भी हर्ट होता है इससे, तो भले वो मोइन अली ने किया सेफ गाज़ा, मेरे ख्याल से वो भी ठीक नहीं था, जब आपको अलाउ नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो भाई,
तो बहुत सारे लोग जो एक जंग बनी हुई है बिला वजह की कि भाई बिला वजह की जंग चल रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गेम में गेम को एंजॉय करें। पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा मार्का आ रहा है यार, मतलब उसको छोड़ के लोग ग्लव्स के पीछे पड़े हुए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको एक ही मशवरा है, भाई लस्सी पियो और ठंडे हो जाओ। तो इंशाल्लाह फिर अब एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा 16 को। फिर यहाँ से हम इंग्लैंड से महफिल को करते हैं क्या बखास्ता।